अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अमीन भट्ट और आप देख रहे हैं द टेक यूट्यूब चैनल। तो ये हमारी जो है सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल से रिलेटेड सिक्स वीडियो होगी, सिक्स ट्यूटोरियल बेसिकली होगा। और इसमें आज हम पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो इससे पहले हम शुरू करें, यार मैं तुम लोगों से कहूँगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो अगर तुम लोगों को इससे समझ आती है, और तुम लोग आगे भी ये देखना चाहते हो तो बेल आइकन लाजमी दबाना ताकि आगे जो भी मेरे ट्यूटोरियल्स की वीडियो आएंगी उसकी तुम लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। तो बगैर टाइम ज़ाया कि हम शुरू कर देते हैं, तो हम आ जाते हैं विजुअल स्टूडियो के अंदर। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे बेसिकली जो आगे यूज़ होंगे फ़िलहाल वो होंगे कंडीशंस में, कि हम अगर कंडीशन लगाना चाहते हैं। बल्कि लॉजिकल ऑपरेटर से पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो पहले हम थोड़ा उसकी तरफ देखते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स जो वो सारे ऑपरेटर्स होते हैं जो कि जिसका लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू वगैरह होते हैं। रुको मैं तुम लोगों को एक पिक्चर में खोल के दिखा देता हूँ। तो बेसिकली ये जो ऑपरेटर्स हैं ये हमारे सारे रिलेशनल ऑपरेटर हैं। इसमें लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन देन और इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, ये सारे नॉर्मली मैथ्स वगैरह जब भी हमने पढ़ी होगी किसी भी 9-10 में या उससे भी पहले ये चीज़ें तो पढ़ी हुई हैं, तो हमने ये पढ़ी होंगी। अब इनको हमने अपने प्रोग्राम के अंदर कैसे यूज़ करना है आज हम वो देखेंगे। तो हम आ जाते हैं विजुअल स्टूडियो के अंदर। तो सबसे पहले ये बेसिकली यूज़ हम एज अ कंडीशंस में कर सकते हैं, लेकिन कंडीशंस अभी तक मैंने तुम लोगों को करवाई नहीं है। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कंडीशंस पढ़ेंगे। फ़िलहाल समझने के लिए हम एक इंटीजर का वो बना लेते हैं वेरिएबल ए और उसमें सेव करवा देते हैं 6। दूसरा हम एक बना लेते हैं इंटीजर का ही बी और उसमें हम सेव करा देते हैं 9। अच्छा, उसके बाद अब हमने इसको एज अ कंडीशन यूज़ करना है। तो इसका कंडीशन के बाद जो भी आंसर आएगा वो हमने किसी ना किसी वेरिएबल में ही सेव करना है। अब यहाँ पे तुम लोगों को याद हो तो हमने एक डाटा टाइप पढ़ी थी, वो थी बूल, जिसमें ट्रू या फॉल्स सेव होता था। तो क्योंकि इसका अगर हम कंडीशन में भी यूज़ करते हैं तो वो एज बेसिकली जो रिज़ल्ट आ रहा होता है ट्रू फॉल्स के सूरत में उसके बेस पे ही यूज़ करते हैं। तो हमने अगर ट्रू फॉल्स कहीं पे सेव करवाना है तो हम एक बूल का जो है वेरिएबल बना लेंगे और हम उसको कहेंगे कि जो भी रिज़ल्ट है वो सी में सेव कर दो। आगे अब हम इसके कंडीशन लगाएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लेस देन की कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले ए आ गया नॉर्मल, जैसे हम लेस देन का साइन लगाते हैं, और बी और सेमी कॉलन। तो इसको जब हम उसके बाद हम सी आउट कर लेते हैं सी को। इसके बाद जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हम देख सकते हैं कि 6 जो है छोटा है 9 से, मतलब ए छोटा है बी से। तो हम ये ए इज़ लेस देन बी। अब मैंने तुम लोगों को बताया था कि बेसिकली ट्रू फॉल्स 0-1 की शक्ल में रिटर्न करते हैं। कि ये चीज़ें तुम लोगों को नहीं पता तो पहले वाले ट्यूटोरियल वीडियोस जाके देख लो ताकि तुम लोगों को ये चीज़ें समझ आ जाएं। तो 1 का बेसिकली मतलब होता है कि ये ट्रू है, और जैसे कि हम देख सकते हैं कि ए इज़ ग्रेटर देन लेस देन बी, ये कंडीशन सच में ट्रू है। ट्रू हुई, उसने सी में एज अ ट्रू मतलब 1 सेव किया और हमने सी आउट करवाया तो सी में 1 आ गया हमारे पास। इसी तरह लेस देन के बाद हमारे पास लेस देन और इक्वल टू आ जाती है। अब मैं एक यहाँ पर भी 6 लिख देता हूँ। ए भी 6 है, बी भी 6 है, ठीक है। अब हमने कंडीशन लगाई है कि ए या तो छोटा हो या फिर इक्वल टू हो बी के। तो अब जब हम इसको रन करेंगे तो हम तब भी देखेंगे कि ये जो हमारे पास इसका आंसर आया है वो 1 आया, क्योंकि छोटा तो नहीं है लेकिन ये इक्वल है बी के। लेकिन यही केस अगर हम इसके आगे से इक्वल टू हटा देते हैं तो अब क्योंकि इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू मतलब हमने कंडीशन में ये नहीं कहा कि इक्वल होने पर भी वो ट्रू का आंसर दे, मतलब कंडीशन फॉल्स करेगा वो इक्वल होने पे, क्योंकि हमने उसको बताया नहीं है। तो ये तुम लोग देख सकते हो कि उसने 0 आंसर दे दिया, मतलब कि फॉल्स। इसी तरह ये लेस देन था, उसके बाद हम इसको ग्रेटर देन करेंगे। ग्रेटर देन वाली कंडीशन फॉल्स है हमारे सामने। और बल्कि यार इस 6 को थोड़ा सा एक मिनट के लिए चेंज कर लेते हैं 7 वापस। तो ए जो है बेसिकली छोटा है बी से, और हमने कंडीशन लगाई है कि अगर ए बड़ा है बी से तो ट्रू सेव करवाएगा वरना फॉल्स। तो तुम लोग देख सकते हो कि इसने 0 दिखाया, इस क्यों, क्योंकि ए बेसिकली हमारे पास बी से छोटा है, ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं कर रही। इसी तरह ग्रेटर देन के साथ भी इक्वल टू लगा देंगे तो अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो ये हमारे पास आंसर एज अ ट्रू दे देगा, क्योंकि हमने उसको कंडीशन में बता दिया है। इसके बाद अब एक हमारे पास हमने चेक करना है कि ए और बी जो हैं वो दोनों आपस में इक्वल हैं कि नहीं।
अब मैं यहाँ पे सिंपल इक्वल टू लिख दूंगा ना, तो इस सिंगल इक्वल टू का मतलब कुछ और हो जाता है। इक्वल टू सिंगल जो हमारे पास यूज होता है प्रोग्रामिंग में, वो बेसिकली असाइनिंग के लिए यूज होता है कि अगर हम एक चीज़ की वैल्यू दूसरे को असाइन कर दें, कि इस स्टेटमेंट का मतलब आप यहाँ पे हो जाएगा कि सी में ए सेव करे तो ए में जो पड़ा है, और ए में सेव करे तो जो बी में पड़ा हुआ है, मतलब कि ये एक दूसरे को असाइन कर रहे हैं हम। अगर हम चेक करना चाहते हैं कंडीशन के, अगर ए इक्वल है बी के, तो हमें यहाँ पे डबल इक्वल टू यूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जब हम कंडीशन को चेक करेंगे तो हम देख सकते हैं कि उसने 1 दे दिया, क्योंकि ए इक्वल है बी के। यही मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूँ, 6 की बजाय यहाँ पे 7 कर दूँ, और तब प्रोग्राम को चलाऊँ, तो ये हमारे पास आंसर इसको 0 दे दिया इसने। क्यों? क्योंकि अब हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो इक्वल और इक्वल टू हो गया, लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया, एक ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू हो गया। अब एक जो लास्ट रह जाती है कि हम चाहते हैं कि बस अगर ए नॉट इक्वल टू है बी के, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, बाकी जो छोटा बड़ा जो भी है, तो ये कंडीशन एज अ ट्रू दे दे। तो उसके लिए हमारे पास जो यूज़ होता है वो सबसे पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन मार्क और उसके बाद इक्वल टू। अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अगर ए नॉट इक्वल टू है बी के, तो सी में हमारे पास ट्रू सेव करवा दो, वरना किसी भी केस में चाहे छोटा है चाहे बड़ा है वो फॉल्स आ जाएगा। तो अब हम देख सकते हैं कि नॉट इक्वल टू है ए बी के, तो उसने हमारे पास जो है वो सिंपली जो है 1 सेव करवा दिया है, उसने ये नहीं देखा बड़ा है या छोटा। तो ये हमारे पास जो थे, ये हमारे पास आते हैं इसके एज अ रैशनल ऑपरेटर्स, और इसके बाद जो हमारे पास आते हैं वो होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स किस लिए यूज़ होते हैं? कि हम एक वक्त में दो तीन कंडीशंस चेक करना के चाहते हैं कि ये सारी ट्रू हो तो वो ट्रू एज अ ट्रू रिटर्न करे, वरना फॉल्स करे दे। मतलब दो तीन कंडीशंस हम एक वक्त में चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर कंडीशन आप लगाना चाहता हूँ कि वो नॉट इक्वल टू भी हो, साथ में वो ए जो है वो छोटा भी हो बी के, ये लाजमी हो। लाजमी के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो होता है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर के लिए हमारे पास दो एंड वाले साइन आ जाते हैं, और उसके बाद स्पेस के बाद हम स्पेस ये ए और बाकी नॉर्मल, जिसे हमने पीछे अरिथमेटिक रैशनल ऑपरेटर यूज़ किया था, ए इज़ लेस देन बी। अब ये दो कंडीशंस जब तक ट्रू नहीं होती हमारे पास सी में, हमारे पास तब तक 1 नहीं आएगा, मतलब एज अ ट्रू नहीं आएगा। तो हम ये देख सकते हैं कि अब ये दोनों कंडीशंस क्योंकि ट्रू हो रही हैं, वो नॉट इक्वल टू बी और ए बी से छोटा है, तो उसने 1 किया। अब यहाँ पे मैं अगर इसको 7 कह दूँ, अब यहाँ पे मतलब नॉट इक्वल, दोनों फॉल्स एक किस्म की हो रही हैं। हम किसी तरह ऐसे कहते हैं कि यहाँ पे मैं लगा देता हूँ कि इक्वल टू भी हो और लेस देन भी हो। अब यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि ये इक्वल टू तो है, मतलब एक कंडीशन ट्रू हो रही है, दूसरी ट्रू नहीं हो रही, तो मतलब उसने हमारे पास फॉल्स आंसर दिया। क्यों? क्योंकि एंड ऑपरेटर का बेसिकली मकसद ही ये होता है कि जब तक जितनी कंडीशंस के बीच में एंड ऑपरेटर लगा हुआ है वो सारी कंडीशंस ट्रू नहीं हो जाती, तब तक वो आंसर ट्रू रिटर्न नहीं करता। अब हम ये चाहते हैं कि ये दो कंडीशंस मैंने लगाई हैं, इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाती है हमारे पास, तो हमारे पास जो आंसर है वो ट्रू दे दे। तो उसके लिए हमारे पास जो ऑपरेटर आते हैं वो होता है और ऑपरेटर। जब हम दो के बीच में लगाते हैं तो उन दोनों कंडीशंस में से कोई एक भी ट्रू हो जाती है, तो आंसर वो हमारे पास ट्रू रिटर्न कर देते हैं। उसको लिखने का तरीका क्या है कि हमारे पास दो वर्टिकल बार्स आ जाती हैं इन दोनों के बीच में। हम दो क्या मतलब 50 पीस करके, सॉरी, इस करके हम लिख सकते हैं जितनी मर्जी लिखें, बीच में बस ये ऑपरेटर आ जाएंगे हमारे पास, एंड आ जाए या बेशक और आ जाए। अब यहाँ पे एक तो ट्रू हो रही है, दूसरी फॉल्स हो रही है, लेकिन उसने ट्रू हमारे पास रिटर्न किया जबकि यही एंड ऑपरेटर में फॉल्स रिटर्न कर रहा था। तो बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस यही था कि अब हमारे पास एक भी कंडीशन ट्रू हो रही है और ऑपरेटर लगा हुआ है, तो उसने हमें ट्रू रिटर्न कर रहे थे ना, लेकिन जो एंड ऑपरेटर होता है उसमें हमारे पास दोनों कंडीशंस का ट्रू होना लाजमी है, तब वो हमारे पास आंसर एज अ ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये थे हमारे रैशनल और लॉजिकल ऑपरेटर। तो पिछली वीडियो में हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर सारे पढ़ लिए थे, तो उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में हम कंडीशंस पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे जो ट्यूटोरियल्स की वीडियो आएंगी वो तुम लोगों तक पहुँच सके। तो मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।